राजधानी भोपाल के महापौर आलोक शर्मा द्वारा जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनसुनवाई की तर्ज पर भोपाल की चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महापौर स्वयं लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्या को सुनते हैं। इसमें महापौर द्वारा लोगों की समस्या और शिकायतों के निराकरण के लिए नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, निराकरण के लिए समय सीमा भी निर्धारित की जाती है। लेकिन कुछ लोगों की चौपाल में हुई सुनवाई के बाद उनके मामले की प्रोग्रेस क्या रही, अब इसे जानने के लिए महापौर निराकरण चौपाल का आयोजन करेंगे, जिसमें पुराने मामले पर हुई चर्चा के बारे में जाना जाएगा। महापौर निराकरण चौपाल के जरिए लोगों को बुलाकर पूछेंगे उनकी समस्याओं का कितना निराकरण हुआ। ये चौपाल भी हफ्ते में एक बार ही लगाई जाएगी। कई बार देखने में आया है कि मेयर के नाते मैंने स्वयं, आयुक्त महोदय ने स्वयं या अपर आयुक्त महोदय ने कई अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं, वे काम समय के ऊपर नहीं करते। कई अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करते हैं तो हम उनका समय समय पे सम्मान भी करते हैं। पिछले दिनों हमारा राजा भोज सेतु केवल स्टेब्लिश का लोकार्पण हुआ, नगर निगम के अधिकारियों को अच्छी सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान भी किया। हम भी 15 अगस्त 26 जनवरी को अन्य कार्यक्रम में उनका सम्मान करते हैं। भाई कई अधिकारी कर्मचारी नाकारा और निकम्मे जैसे होते, काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करना, केवल उनको लाइन अटैच करने से कुछ नहीं होगा, उनका इंक्रीमेंट रोकने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं, तो मैंने आयुक्त महोदय को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम माता मंदिर पे एक कक्ष ऐसा बनाया जाए जिसका नाम रखा जाए लूप लाइन कक्ष। अधिकारी लूप लाइन में वहां पे बैठेंगे, जिससे कि सारे अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उनको देखकर भी आएंगे ये क्यों बैठा है। पता लगेगा कि ये आदमी तनख्वाह लेने के लिए आता है, नगर निगम में काम नहीं करता। मैं नगर निगम में अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए नहीं आया हूं। जब मैं सुबह से लेकर शाम तक जनता के प्रति उनकी समस्याएं सुनता हूं, निराकरण करता हूं, तो अधिकारी कर्मचारियों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, अन्यथा लूप लाइन कक्ष में बैठने के लिए तैयार है। बहुत ही जल्दी इसको शुरुआत करने वाले। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।